धीरे धीरे ऐसे ही कोडिंग और वेब डेवलपमेंट और चीज़ों को करते करते, एकेडमिक्स हैंडल करते करते, एक एक पड़ाव को क्लियर करते करते, फाइनली प्लेसमेंट अच्छा जगह लगी। ऐसा किसी लड़का को नहीं मिला है 2,40,00,000 का पैकेज, इस लड़के को मिला है। दुर्भाग्य है बिहार की बड़ी बड़ी मीडिया पर कि इस खबर को नहीं दिखा रहा है। पटना में ही रहकर तैयारी किया और IIT गुवाहाटी में जाकर पढ़ाई किया और झंडा गाड़ दिया। न्यूज देखते हैं, देखते हैं। पता चला जी? नहीं पता नहीं। 2,40,00,000 का पैकेज मिला, पता है आप लोगों को? ये लड़का जो है बिहार का पहला लड़का है, किसी को नहीं मिला इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है। ये लड़का पहला लड़का है बिहार का, देख लीजिए। अभी यही पे एक छोटे से पॉलिटिशियन आते तो पूरी तरीके से पूरे भीड़ लगी रहती होती, तो एक्चुअली उस तरीके का न्यूज़ पर वो आगे बढ़ता है, इसलिए लोगों को लगता है कि बिहार में कोई कुछ है नहीं, पर एक से एक लोग बिहार में है। USA कंपनी में इनका जॉब हो गया। उम्मीद था आपको? ऐसा हम लोग थोड़ा उम्मीद रखे थे, लेकिन इतना नहीं सोचे थे कि हो जाएगा। अक्षत अरुण ने IIT गुवाहाटी में एक इतिहास रचा है, सबसे कम उम्र में सबसे अधिक पैकेज पाने वाला यह लड़का, इसको पैकेज मिला है 2,40,00,000 रुपया का। और यह लड़का पटना का रहने वाला है और पटना में तैयारी कर रहा था, ये मूल रूप से सासाराम के रहने वाला है। इस वक्त उनके सारे परिवार लोग मौजूद हैं। मैं इस लड़के को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन्होंने बिहार का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। मेरे ख्याल से बिहार में एकमात्र एक ऐसा लड़का है जिन्होंने इतिहास रचा। कहाँ पढ़ाई किए थे आप? हम 10th तक सन माइकल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की है। हाँ। फिर 12th हम, मेरा सत्यम इंटरनेशनल स्कूल था, उसके बाद IIT का तैयारी हम फिटजी और विद्यापीठ अकेडमी में किए, और फिर उसके बाद IIT गुवाहाटी में एडमिशन मिला कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। आपको IIT गुवाहाटी में जो पढ़ाई शुरू किए थे, तो फिर कैसे आपको ये पैकेज इतना बड़ा मिला? शुरुआत में तो हमें भी जब सीनियर्स को मिलता था 1 करोड़ का पैकेज, तो लगता था कि ये मतलब काफ़ी मुश्किल है, कुछ ही लोग को, 1-2 लोग को लगता था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेहनत कर करके, धीरे धीरे एक एक करके, एक एक पड़ाव को क्लियर करते करते, फिर इन दी एंड अपने गोल को अचीव कर लिए। और जब रिसेशन टाइम में ऐसा इतना बड़ा पैकेज का जॉब लगा, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी खुश हुए सीनियर्स, दोस्तों और घर वालों की सहायता, शिक्षक की सहायता से ये फाइनली अचीव करा। आपको नौकरी मिली है USA में? हाँ। कंपनी का नाम क्या है? रूब्रिक। रूब्रिक, रूब्रिक। और आप कब जा रहे हैं वहाँ पे? अभी 1 से 1.5 साल इंडिया में काम करना है बैंगलोर में, उसके बाद फिर USA में स्विच। ये आपके पापा हैं, मम्मी हैं। आपका क्या नाम हुआ अंकल? अरुण कुमार। आप क्या करते हैं? हम सिविल इंजीनियर हैं। आंटी आपका नाम क्या हुआ? हम अंजू। और आप क्या काम करते हैं? कमर्शियल टैक्स में जॉब करते हैं। आप मूल रूप से कहाँ रहने वाली हैं? सासाराम। सासाराम रहने वाले हैं। अपने बच्चे को तैयारी आपने पटना में करवाया था? खुद हाँ, पटना में। जी जी। जो इतिहास रचा है, मेरे ख्याल से बिहार में यह पहली बार है जो बिहार का लड़का को इतना बड़ा पैकेज मिला है 2,40,00,000 रुपया का। क्या कहना चाहते हैं? शुरू से बहुत मेहनती था, एकदम जुझारू टाइप का लड़का था, बहुत ही मेहनत करता था। उसको कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स ज़्यादा मतलब नहीं रखता, बस उसको जुनून सवार था कि हमको बस निकालना है IIT। अच्छा। बहुत मेहनत करता था, रात में जग के पढ़ना। अच्छा। रात में अपनी पढ़ाई करता था, कोई इसको इधर उधर से कोई मतलब नहीं, बस केवल पढ़ाई इसको चाहिए था। IIT हमको निकालना है, निकालना किसी तरह निकालना है। हाँ, हाई पैकेज में, हाई पैकेज में रिकॉर्ड दम जी। IIT गुवाहाटी में रिकॉर्ड बन गया दम, रिकॉर्ड, इतिहास, ऐतिहासिक रिकॉर्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख सकते हैं, यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। IIT गुवाहाटी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इतना हाईएस्ट पैकेज मिला हो किसी को। बिहार के लाल ने किया कमाल, और ये देखिए लड़का आज बेहद खुश है, ये इसलिए बिहार का नाम बढ़ाया है। इनके गुरु है ये। क्या नाम हुआ सर आपका? मुखलाल सिंह। और आपका इंस्टीट्यूट का? विद्यापीठ एकेडमी में, IIT बॉम्बे से 2007 का पास आउट हूँ। अच्छा सर। और मेरे पास अक्षत 2017 में आया था। अच्छा, कैसा लड़का? शानदार लड़का, वैसे तो होनहार बिरवान के हो चिकने बात वाली बात है। मैथमेटिक्स में शुरू से ही बहुत अच्छा था। IIT में कुछ अच्छा रैंक, IIT गुवाहाटी कंप्यूटर साइंस मिला, और आज तो शानदार नौकरी मिली इसे। पूरे इंस्टीट्यूट के इतिहास में सबसे बड़ा एक, बिहार के भी इतिहास में सर। हाँ ऑब्वियसली, इधर गुवाहाटी 2,40,00,000 हमें लगता है किसी लड़का को मिला होगा। हाँ, बिहार में 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे बहुत लोगों को मिला है, बट 2.4 करोड़ एकदम हिस्टोरिकल अमाउंट है। इवन पूरे कंट्री में शायद सेकेंड हाइएस्ट है पूरे कंट्री में। पूरे कंट्री में देख सकते हैं। और इस वक्त ये जा रहे हैं IIT गुवाहाटी अपना क्लास कंप्लीट करने के लिए, और इस वक्त मैं पटना के एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ जहाँ से तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं इस लड़के का तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि बिहार वासियों को खुशियाँ मिले, गर्व महसूस करे कि बिहार का लड़का एक ऐसा भी है
जो अपने बलबूते कुछ कर सकता है। बिहार की छवि हमेशा खराब की जाती है, लेकिन क्या इस छवि को दिखाया जाता है? जनमंच न्यूज के माध्यम से सिर्फ देख रहे होंगे जो कि बिहार का इतनी बड़ी खबर है कि जो लड़का 240 लाख का पैकेज लिया हो और किसी भी मीडिया में खबर नहीं है, सोशल मीडिया में कहीं पे खबर नहीं है, और लड़का पूरे बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। और देख सकते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप। बहुत खुशी की बात है इनका रूब्रिक्स यूएसए कंपनी में इनका जॉब हो गया। उम्मीद था आपको? ऐसा हम लोग थोड़ा उम्मीद रखे थे, लेकिन इतना नहीं सोचे थे कि हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी बात। अच्छा, है अंकल, इतना बड़ा पैकेज मिला आपको, कहीं से कोई फोन आया ना अभी तक? कोई समाज सेवी संस्था, कोई सरकारी संस्था, अभी ऐसा कोई अप्रोच कोई नहीं, कोई अप्रोच नहीं किया ना? नहीं, बिहार में ऐसा अभी, क्योंकि बिहार का ये ऐतिहासिक घटना है, ये ऐसा किसी लड़का को नहीं मिला है 2,40,00,000 का पैकेज, इस लड़के को मिला है। दुर्भाग्य है बिहार की बड़ी बड़ी मीडिया पर कि इस खबर को नहीं दिखा रहा है। और हम चाहते हैं यह खबर आग की तरह वायरल कीजिए कि देख लीजिए एक लड़का पटना में ही रहकर तैयारी किया और IIT गुवाहाटी में जाकर पढ़ाई किया और झंडा गाड़ दिया। बस बिहारी को एक मार मौका मिलना चाहिए, वो दिखा देता है कि हम में कितना जुनून है और हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या सर? बिल्कुल सही बात। बिहारी को हमेशा दूसरे राज्यों में अलग मानसिकता से देखा जाता है। वो बेसिकली दो तरीके के क्राउड है, एक बिहारी जो चैंपियंस हैं, इंटेलिजेंट हैं, पूरे कंट्री में देखेंगे तो चारों तरफ IAS ऑफिसर्स बिहारी मिल जाएंगे। IIT ग्रेजुएट्स भरे पड़े हैं, अमेरिका में जाएंगे एक से एक लोग मिलेंगे बिहार से, पर वो जब बिहार आते हैं तो उनका कुछ वैसा कुछ लिंक नहीं होता है, कनेक्शन नहीं होता। जैसे आज आप मिल गए तो आज आप इस चीज़ को चैनल पे चलाएंगे, नहीं तो पता भी नहीं चलता है कौन सा बच्चा है तो यहाँ पे अभी घूम रहा होगा, किसको पता है? किसको पता भी नहीं है, किसको पता है जी? आप लोग देखते हैं मीडिया चैनल, देखते हैं न्यूज, देखते हैं, पता चला जी? नहीं पता। 2,40,00,000 का पैकेज मिला, पता है आप लोगों को? यह लड़का जो है बिहार का पहला लड़का है, किसी को नहीं मिला इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है यह लड़का, पहला लड़का है बिहार का, देख लीजिए। अभी यही पे एक छोटे से पॉलिटिशियन आते तो पूरी तरीके से पूरे भीड़ लगी रहती होती, तो एक्चुअली उस तरीके का न्यूज पर वो आगे बढ़ता है, इसलिए लोगों को लगता है कि बिहार में कोई कुछ है नहीं, पर एक से एक लोग बिहार में हैं और एक से एक अभी हर साल 1,000 लोग IIT में सेलेक्ट होते हैं यहाँ से, सब कहीं ना कहीं एकदम शानदार नौकरी करते हैं, पर वो हिडन रहता है, कुछ दिखता नहीं है। अब तो कभी आप लोग जैसे कोई मिल गए तो ठीक है, अभी न्यूज में आ जाएगा, सब लोग जान जाएंगे, इस तरीके का बात होता है। तो थोड़ा इमेज सुधारने की जरूरत है स्टेट का, पूरे नेशनल लेवल। बाबू, आपकी तैयारी में आपने क्या क्या किया? जो लड़का आपको देख रहा है, जो आपसे इंस्पायर हो रहा है, उसको बताएं, उनको टिप्स दें आप। हम कॉलेज में अपना पहले तो एकेडमिक्स पे थोड़ा फोकस करते थे, उसके बाद सेकेंड ईयर में आने के बाद ऐसा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और कोडिंग करना शुरू किए, और साथ साथ थोड़ा वेब डेवलपमेंट में भी इंटरेस्ट था तो वो भी करना शुरू किए, और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते फिर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का इंटर्न लगा मेरा DeShaw में, वहाँ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कोडिंग और वेब डेवलपमेंट और चीज़ों को करते करते, एकेडमिक्स हैंडल करते करते, एक एक पड़ाव को क्लियर करते करते फाइनली प्लेसमेंट अच्छा जगह लग गया हमारा, इंटरव्यू प्रिपरेशन सब करने के बाद। अच्छा, इसके बाद कहाँ जाने का इरादा है? दिखते हैं, अभी ऑफर लेटर आएगा, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस रिजेक्शन होगा, फिर उसके बाद अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो फिर 1.5 साल बैंगलोर में काम करना है, इंडिया को सर्व करना है, एंड देन फिर वीज़ा लगने के बाद फिर USA में स्विच हो जाएगा, तो वहीं रहकर सेवा करना है। हाँ, फिर उसके बाद मेरा प्लान है वापस आने का थोड़ा टाइम बाद, मतलब सब 5-6 साल थोड़ा काम कर लिया फॉरेन में, उसके बाद फिर ऐसा मेरा प्लान है कि वापस इंडिया में ही। कितने भाई बहन हैं आप? दो, एक हम है और एक मेरी बड़ी बहन। वो क्या करती हैं? वो भी सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बैंगलोर में। यानी आपके घर में सभी को नौकरी है? हाँ। और बेटा ने इतना झंडा गाड़ दिया है कि पूरे भारत में नाम कमा लिया। मुझे खुशी है कि बिहार के ऐसे टैलेंटेड लड़के हैं जो बिहार का नाम बढ़ा रहे हैं, साथ साथ देश का नाम बढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आग की तरफ फैलाइए और बताइए कि हमारा बिहार पीछे नहीं है, हमारा बिहार भी है जो बड़े बड़े धुरंधरों को चैलेंज दे सकता है। और एग्जाम्पल सामने है भारत का, या दूसरा लड़का है जिसने इतना बड़ा पैकेज पाया है। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका।